तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्य श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को उन्होंने कृपा की और श्रीधर को उन्होंने बुलाया। तब यहाँ पर प्रश्न प्रभुपाद कहते हैं जब श्रीधर भगवान की भक्ति करते थे बहुत सारे लोग भक्ति में बाधा देते थे, उपद्रव करते थे, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का लक्षण क्या है कहते प्रायण अल्प सभ्य कला बस्मीन युग जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुबद्रुता। कलयुग में जुबद्रुता, जुबद्रुता मतलब बड़े उपद्रव करेंगे। बेटा अगर शराब पीता है ना बोले वेरी गुड शराब पी रहा है। एक व्यक्ति को किसी ने कहा बोले तुमने बेटे को पढ़ने के लिए वहां पर भेजा, जानते हो बेटा क्या कर शराब पीता है? बोला हाँ शराब पीता होगा लेकिन ऐसे तैसे शराब नहीं पीता होगा, वार्ड नंबर शराब पीता होगा। वो गर्व करता है मेरा बेटा शराब पीता है, लेकिन वो पैसा वाला था इसलिए बड़े हाई फाई शराब पीता होगा। इसलिए अगर कोई शराब पीता है
बोले वेरी गुड, और सिगरेट फूंकता तो बहुत अच्छी बात है, लड़कीबाजी करता है, गंदा काम करता है, बोले वेरी गुड, लेकिन बेटा अगर थोड़ी सी भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे, तिलक कंठी माला, बोले कोई उम्र तेरा भजन करने का, अभिषेक सो तिलक कंठी माला क्या है सब के सब है, ये सब क्या, कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गया तुमने है। इसलिए कहते कलयुग में बड़ा उपद्रव है कलयुग में, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जैसे श्रीवास श्री श्रीधर के ऊपर में उपद्रव किए हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति से एक बूंद भी भक्ति से उन्होंने विचलित नहीं, बोले क्यों, बोले सत्यम सत्नेन विघ्नानानि सहस्रेण तथा तप विघ्न अजुतेन गोविंद। अगर सच बोलो तो उसमें सौ बाधा, अगर तपस्या कर तो उसमें हजार बाधा, अगर गोविंद की भक्ति करने के लिए जाए ना, कहते प्रति पद पद में बाधा है, प्रति पद पद में, कहते यहाँ तक भी देवता लोग भी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले ये मरते जगत में रह जन्म लिया, मरते जगत में पृथ्वी लोक में, और देवता लोग कहाँ रहते हैं, हैं भोर भुव सुह जन इसे ऊपर स्वर्ग लोक में रहते हैं, कहते ये साधारण मरते जगत में जन्म ग्रहण करके और हमारे सर के ऊपर प्यार रख करके कहाँ चले जाएंगे, वैकुंठ गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, है जाने नहीं देंगे, क्या करते हैं वो भी टांग पकड़ करके खींचना शुरू कर देते, देवता लोग भी बाधा देना शुरू कर देते, साधारण व्यक्ति की बात ही छोड़ दो है, देवता लोग भी भक्ति में बाधा डालते हैं, ऐसे ये भक्ति मार्ग है, कभी यहाँ तक भी हैं, विशेष करके ये जो कलयुग है, कभी धन्य कलयुग जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और विशेष करके महाप्रभु का लाइन में जो लोग आए हैं, श्री एकादश स्कंध में कहते हैं जो महाभागवत है, साधारण वैष्णव की बात छोड़ दो, कभी जो महाभागवत जो वैष्णव लोग भी वो चाहते हैं कि कलयुग में जन्म लेना, सत्य जीव का लोग भी चाहते हैं कि कलयुग में जन्म ले, त्रेता जीव का लोग भी चाहते हैं जन्म ले, द्वापर जीव का लोग भी चाहते हैं कलयुग में जन्म ले, मतलब ये कलयुग का इतने महत्व है कलयुग का, क्यों, दूसरे दूसरे युग में जो आराधना किए हो, कोई वैकुंठ गए होंगे, नहीं तो कोई अयोध्या गए होंगे, कहीं अलग अलग कहीं जगह में गए होंगे, लेकिन महाप्रभु ब्रज प्रेम देंगे, राधा रानी की चरण की सेवा, राधा रानी की जो निकुंज सेवा है, कहते प्राण प्रेष्ट सखी कुलादपि कील असंकुचित भूमिका, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जिस सेवा में ललिता विशाखा सखी लोग भी जब राधा कृष्ण निकुंज में लीला करते हैं, वो सेवा इतने दुर्लभ है, केवल जो राधा रानी की अनुगत करने वाले हैं, केवल वही ही केवल उस सेवा में प्रवेश कर पाते हैं, और सब नहीं, इसलिए कहते ललिता विशाखा भी जिस सेवा में प्रवेश करने के लिए निकुंज में वो अपने आप को द्विधाबोध करती हैं, और ये सखी मंजरिया क्या करती हैं, जो राधा जी के अनुगत्य में रहने वाले वो सेवा को निसंकोच कभीता है, निसंकोच हो करके वो निवृत्त निकुंज की सेवा को प्राप्त करते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा विरीन चिरा बांचित जय प्रेम जगत फलिल डाली, इसलिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस सेवा के लिए तरसते हैं, शंकर जी गोपी रूप तो ले लिया, उन्होंने गोपी रूप तक भी लिया, उन्होंने कौन है, बोले देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी वैष्णवा नाम जथा संभो, इतने बड़े शंकर जी, कितना शंकर जी के नाम सारा दुनिया, इसलिए के श्लोक है विधि महेंद्र पदादि किटे, क्या श्लोक है याद है, क्या श्लोक है याद है, बहुत बढ़िया श्लोक है, कहते हैं जिस महाप्रभु को धारा में जो आए ना, हैं कहते चैतन्य महाप्रभु को धारा में जो आ गए तो उनकी महिमा को कहते हैं विधि महेंद्र, हैं विधि मतलब तो ब्रह्मा, महेंद्र मतलब होता है श्री इंद्र, कहते इनका पद को तो जो महाप्रभु हैं महाप्रभु की भक्ति धारा में जो आए हैं, हैं कहते भक्ति धारा में जो आए ऐसे पद को तुच्छ कीट मकोड़े जैसे पद को पद जैसे मानते हैं, हैं कीड़े मकोड़े जैसे पद को ऐसे पद को भी तुच्छ कर देते हैं, हैं
कैवल्य नरकायते, इसलिए कहते कैवल्य नरकायते। महाप्रभु का भक्ति रस जो पान कर लेते हैं, एक बूंद महाप्रभु का प्रेम रस में जो अवगाहन जो स्नात होते हैं, कहते क्या करते हैं, बोले कैवल्य नरकायते, जो कैवल्य मुक्ति जिसके लिए ज्ञानी लोग कठोर साधन करते हैं, हैं? कठोर साधन करते हैं, वो पद को क्या मानते हैं, वो नरक सदृश है, हैं? इसलिए त्रिदश पुरा काश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली पृथका दृष्टयते विश्व पूर्ण सुखाय विधि महेंद्रादिश किटायते जत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम कौरमे स्तुमे। इसलिए इस श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है महाप्रभु का। महाप्रभु तो महाप्रभु का प्रेम रस में जो आस्वादन कर ले एक बूंद का, यहाँ पर कहते विधि महेंद्र आदि, हाँ विधि ब्रह्मा और इंद्रपद को भी क्या करते हैं, कहते एक कीड़े मकड़ो जैसे मानते हैं, कहते कैवल्य नरकायते, जैसे कैवल्य नरक बहुत बढ़िया श्लोक है। जो इंद्रिय काल दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली पृथकात दष्ट्रायते, इसलिए कभी जो इंद्रिया है, जो इंद्रिया कभी प्रबल इंद्रिय हैं, लेकिन जैसे उसको उदाहरण देते हैं, जैसे किसी सांप का जैसे बीस दांत को निकाल दो ना, हाँ किसी सांप का बीस दांत निकाल दो, वो काटने पर भी कुछ नहीं होता है, वो काटने पर भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जो महाप्रभु का प्रेम रस को आस्वादन किया, जो जो इंद्रिया जिसको दमन करना बड़ा कठिन है, कभी क्या हो जाता है, कहते तुम बीस दांत इसे निकाल देते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते बड़े बड़े देवता लोग भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, कहते महाप्रभु कलयुग में आकर के, बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, दूसरे दूसरे युग में कितने कठोर तपस्या, चारों तरफ में आग जला करके सर नीचा टांग ऊंचा करके एक अंगुल के ऊपर खड़े होकर के, हैं ऐसे ऐसे कठोर तपस्या करते थे कठोर। वाल्मीकि ने क्या किया, शरीर में दीमक चाट लिया, दीमक चाट लिया, शरीर में कुछ है नहीं, ऐसे कठोर तपस्या की, हाँ पता नहीं कितने सालों तक तपस्या की, लेकिन कलयुग में भगवान महाप्रभु सहज रूप में खुश हो जाते हैं, महाप्रभु सहज रूप में खुश हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में एक आनंद केवल हाथ बजाया करताल करमल हाथ ताली मतलब ताली बास ताली बजाते हुए थोड़ी सी हरिनाम संकीर्तन करो महाप्रभु का अनुगत्य में, हैं और खूब नाचो मंदिर में ईटिंग डांसिंग और सिंगिंग। इसलिए कहते कलयुग में जो भक्ति बड़ा सहज है, सब लोग कहते सब लोग सबके सब पार्टी में जाना चाहते हैं, कोई पार्टी का नाम सुने ना पहले तैयार रहते हैं। पार्टी में तीन काम होता है, क्या है, ईटिंग डांसिंग और सिंगिंग। बोले एक एक दिन बीच बीच में क्यों करेगा, रोज करो ना, हम यहाँ पर रोज रोज ही पार्टी हो रहा है, कीर्तन करते खूब नाचते हैं खूब गाते हैं, ईटिंग रोज रोज जगन्नाथ का प्रसाद बढ़िया बढ़िया राजमा बनता है, इसलिए बढ़िया बढ़िया साग भेंडी सब, इसलिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद रोज उत्सव जगन्नाथ जी का प्रसाद और रोज रोज भगवान का कीर्तन करते हैं। बोले बीच बीच में क्यों रोज रोज करो, इसलिए कलयुग में भगवान सहज में प्राप्त है, कलयुग में परिश्रम बहुत कम है लेकिन जो प्राप्ति है ना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन दूसरे दूसरे अवतार में कठोर परिश्रम जो सोच भी नहीं सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, वो इतना परिश्रम इतने कठोर, लेकिन कलयुग में परिश्रम कम और फल महान फल है। इसलिए क्योंकि राधा रानी बड़ी दयालु ना, राधा रानी बड़ी कृपालु, इसलिए कलयुग में कृष्ण राधा जी के भाव अंग कांति लेकर के आए, इसलिए करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, राधा रानी बड़ी दयालु राधा रानी बड़ी कृपालु है, इसलिए राधा रानी का कृपा से ही इतने हैं इतने आसानी तरीका से इतना दुर्लभ वस्तु हमें मिलता है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए यहाँ पर प्रभु बात कहते हैं क्या करना है, भक्ति करते समय अगर कोई बाधा आए तो उसको भ्रुक्षेप नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ये भक्ति मार्ग ये कायरों का मार्ग नहीं, भक्ति मार्ग सूर वीरों का मार्ग, किसका मार्ग है, सूर वीरों का। जैसे सूर वीर जब युद्ध करते हैं शरीर में जितने प्रहार होना उनका खून उतना उबलता है, खून उतना उबलता है, उतना युद्ध करने के लिए और जोश आता है। इसलिए अगर भक्ति जगत में अगर थोड़ी बाधा आ जाए ना, अरे
छोड़ो हरिनाम भरना, भक्ति करके किया होगा है, इसलिए छोड़ो, रोज रोज आरती में आना पड़ेगा, कीर्तन में आना पड़ेगा, फिर बैठा करके हरिनाम करना पड़ेगा, फिर श्लोक याद करो, इसलिए फिर वैष्णव का शासन सुना, इसलिए छोड़ो बेकार चीज नहीं, इसलिए हाँ ये साधन तो सरल साधन, और विशेष करके कलयुग में जो साधन है ना उसमें आनंद है। साधन में दूसरे दूसरे युग में साधन कठिन था, साधन कठिन था, दिमाग शरीर में लग गया, दिमाग चाट गए, कह सकते हैं कलयुग में देखो साधन में भी आनंद है, कथा में भी आनंद है, कीर्तन में भी आनंद है, प्रसाद में भी आनंद है, सब चीज में आनंद है कि नहीं, हाँ प्रसाद सेवा, इसलिए 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 भक्ति जगत में महाप्रभु के युग में सब चीज में आनंद है, इसलिए भक्ति रस है, भक्ति रस भक्ति हृदय करना रसायन कथा, बोले भगवान की कथा कैसे, बोले हृदय और कान को दोनों को रस देने वाले रसायन कथा है, इसलिए कहते कभी भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, इसलिए महाप्रभु बता दिया क्या, बोले जाओगे दूर से गांव का लास्ट में देखोगे, देखोगे अपने आप दूर से उसका गला की आवाज आता होगा और जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जोर से बोला, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, और जोर से बोला हरे सुनाई पड़ेगा हरि नाम करते हुए। सचमुच से जो भक्त लोग गए ना, ए श्रीधर का दूर से आवाज, हाँ दूर से आवाज आ रहा था, हाँ जोर जोर से भगवान की नाम को उच्चारण कर रहे थे, इसलिए आधा रास्ता में ही उन्होंने कीर्तन सुनने को मिला, इतने में भक्त लोग ने जा करके उनको प्रणाम किया, बोल करे बोले बोले देखो आज प्रभु तुमको स्मरण कर रहे हैं, है महाप्रभु तुमको भगवान श्री चैतन्य गौर हरि रूप में आए, इसलिए भगवान तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। श्रीधर सुनते ही ना वहीं पर उन्हें बेहोश हो गए, हैं बेहोश हो गए, इसलिए भक्त लोग उनको उठा करके ले आए, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर, देखो भक्तों को स्पर्श साधारण बात नहीं है, गात्र संगत दृश्य स्पर्श, शरीर का लाभ किसमें है, जब भक्तों का स्पर्श प्राप्त हो तब ये शरीर का सार्थकता है, इसलिए सार्थकता है, जब शुद्ध भक्तों को जिस समय उनको शरीर में प्रेम हो उनको स्पर्श करते ही, हाँ जैसे लाइट में इलेक्ट्रिक में ना हाथ कर देते क्या होता है, होश मारता है कि नहीं, सट मारता है, इसलिए भक्तों के शरीर में जो शुद्ध भक्त है उनका शरीर का स्पर्श भी जीवों के लिए कल्याण है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जिनके शरीर को स्पर्श करते हुए भक्त लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं, इसलिए बोले भगवान तुमको महाप्रभु बुला रहे हैं, इसलिए तब महाप्रभु पास में लेकर के आए, जब लेकर के आए तब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बोले श्रीवास श्रीधर तुम मेरे जन्म जन्मांतर का तुम भक्त है, हाँ तुम मेरे एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर का तुमने भक्त है, तभी तो तेरे पास में रोज रोज आकर के उस देना नहीं चाहने पर भी महाप्रभु क्या करते थे जोर जबरदस्त उससे ग्रहण करते थे, इसलिए रोज तुम्हारे साथ में मैंने लड़ाई क्या करता था और करता था क्या, महाप्रभु आकर के बोले देखो ऐसे चीज नहीं लूंगा, बढ़िया चीज देना पड़ेगा, क्यों वो क्या करते थे कहले थोड़ और मचा, हिंदी भाषा तो समझेंगे नहीं सुनते होंगे, इसलिए केला का फूल और केले का पेड़ के बीच में जो है, हैं हैं इसलिए केला और मोचा कहते इसको हैं इसको यही बेचते थे, महाप्रभु बोलते देखो घटिया चीज नहीं लूंगा बढ़िया चीज देना पड़ेगा, लेकिन पैसा भी नहीं दूंगा आधा पैसा दूंगा, श्रीधर बोलता था प्रभु यहाँ पर और भी बहुत सारी बेचने वाले हैं, और भी बेचने वाले उनको पास में जाओ ना, रोज रोज मेरे पास में आकर के लड़ाई करते हो, बोले लूंगा तो तेरे ही पास में लूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए तेरे पास में लूंगा हैं, इसलिए और किसको पास में नहीं जाऊंगा, इसलिए रोज रोज महाप्रभु बोलते थे
और क्या बोलते थे देखो, तो श्रीवास पंडित लास्ट में है ना, श्रीधर लास्ट में बोलते थे प्रभु स्वस्थती तो लंबे चौड़े एकदम पूरा है, पूरा जवान है, पता नहीं कुछ बोलूंगा तो अगर पीट देगा तो इसलिए इतने लंबे चौड़े, बोले भैया इतने मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, देख तुमको एक केला दूंगा, थोड़ मोचा दूंगा, भैया लड़ाई भड़ाई मत किया करो, शांति से ले जाओ हैं, इसलिए कड़ी भी नहीं कुछ दिव क्षमा करो मोरे, इसलिए यहाँ पर कहते थे भैया मेरे को माफ कर दो, बगैर कड़ी मतलब बिना पैसा के तू ले जा, भैया इतने लड़ाई बड़ाई मेरे साथ में मत किया करो। इसलिए महाप्रभु बोलते थे देखो तुम्हारे पास में बहुत सारे गुप्त धन है, अभी तो इतना ही दो अभी इतना ही दे, ज्यादा देने का जरूरत नहीं, लेकिन तेरे पास में बहुत गुप्त धन है, वो धन तो मेरे को बाद में मिलेगा है, लेकिन अभी केवल इतना ही दो, केला मोचा थोड़ दे दो, बाद में सो धन अपने आप मेरे को मिलेगा। गुप्त धन क्या है, उनके पास में भक्ति धन है, प्रेम धन उनके पास में, इसलिए इनका नाम श्रीधर, श्रीधर मतलब क्या, श्री मतलब लक्ष्मी, बा श्रीमती राधा रानी मूल लक्ष्मी, धर मतलब हृदय में जो राधा रानी को धारण करने वाले हैं, श्रीधर इनका नाम है। इसलिए बोले तुम्हारी पास में प्रेम धन बहुत, उसको बाद में मिलेगा, इतना ही अभी दो हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी था, इसको सब याद कर ले, अभक्त द्रव्य प्रभु उलटी नाचाए, कहते भगवान का क्या स्वभाव है, बोले भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी था, जिनकी चरण को लक्ष्मी स्वयं सेवा करने वाली है, लक्ष्मी जिनकी चरण को सेवा करने वाले वो आज लड़ाई झगड़ा करके ले रहे, बोले क्यों ले रहे, कारण क्या, बोले कारण है जो भक्त का जो वस्तु है है भगवान को बड़ा प्यारा है, इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रचति, इसलिए भगवान जब दुर्योधन को घर में गए, दुर्योधन क्या किया था, पहले स्पेशल रसोईया बनाया था, बोले ये ग्वाला गैया को पीछे पीछे घूमने वाला था, आज बढ़िया बढ़िया खाना खिला करके ना इसको अपना हाथ में कर लूंगा। कृष्ण ने गए बोले भैया पांडवों को ज्यादा चीज की जरूरत नहीं, 5 गाँव दे तो अपने आप खुश हो जाएगी, तुम सारे संपत्ति लो। दुर्योधन ने क्या बोले, बोले बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं, तुम गांव की बात करते हो, गांव की बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं दूंगा। इसलिए इतने में बोले वो सोच रहे थे कृष्ण को खिला पिला कर खुश कर दूंगा, बोले ये बस बात बात में, चलो पहले भोजन कर लो, ये खाना ऐसे की चीज है ना, इसलिए बताए ना दुष्ट व्यक्ति को खाना नहीं खानी चाहिए, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे तुम अन्न खाओगे ना मन तुम्हारी ठीक वैसे बनेगा, इसलिए दुष्ट लोगों का अन्न को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, फिर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो जाएगा है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बोले चलो मैं पहले खाना खा लो, ये खाना ऐसे की चीज है ना, किसका खा लिया ना, जैसे कुत्ते को एक बार कोई कुत्ता अगर ज्यादा भूखता है, तुम्हें एक बार कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा दे दो, देखना तुमको और कभी नहीं भूखेगा, कभी तुमको देख कर कभी भूखेगा नहीं, ऐसे ये खाना है, इसलिए बोले पहले खाना खा लो, उसको बाद में फिर बात करेंगे। कृष्ण ने कहा देखो 3 जगह पर खाते हैं, कितने जगह पर, बोले पहला नंबर है अगर जिस काम के लिए आए, अगर वो काम पूरी हो जाए, पर भैया जिस काम के लिए आए थे काम हमारे पूरी हो गया, चलो भोजन कर लो। दूसरे जगह पर जहाँ मित्र हो वहाँ खाते हैं, बोले कहते मैं क्या तुम्हारे मित्र नहीं हूँ, बोले नहीं पांडव मेरे भक्त है, मेरे भक्तों का जो मित्र वो मेरे मित्र है, मेरे भक्तों का जो शत्रु मेरे शत्रु है, इसलिए तू मेरे मित्र है ही नहीं। तीसरे जगह पर कहाँ खाते हैं, बोले अगर भूख लगे भैया जो कुछ हो ले आओ है, जो कुछ हो ले आओ, कहते मैं तो आत्मा हरा हूँ आप तो काम हो है, इसलिए मेरे तो भूख है ही नहीं, इसलिए बोले तुम पहले क्यों नहीं बोला, मैंने इतना 56 भोग 36 व्यंजन बनाया, तो पहले तुमको बोलना चाहिए ना, सर बर्बाद होगा, इसलिए बोले मैं नहीं खाऊंगा। कृष्ण ने कहा बोले पहले क्यों नहीं बुलाया, बोल देता हूँ बनाते नहीं, बोले खाओगे कहाँ, बोले कहीं खा लूंगा। इसलिए उन्होंने गए विदुर जी के घर में, बोले विदुर नहीं थी घर में, थी विदुरानी है घर में, विदुर नहीं थे घर में, विदुरानी थी, कहाँ बैठाएगी, कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ आए उन्होंने विदुर,
साधारण व्यक्ति को घर में आए हैं, साधारण व्यक्ति को घर में तो देख देख कर बाबरी बन गई, भगवान को कहां बैठा हूं, कहां खिलाओ, क्या करो, तो पागली नहीं बन गई। यहाँ बैठाओ ना, यहाँ बैठाओ ना, हृदय में बैठाओ। वो तो सोच रहे बैठाओ कहाँ, किसी तरह से भगवान को बैठाया और घर में केला था, उन्होंने केले लाए और इतने विभोर हो गई, इतने विभोर हो गई प्रेम में, पास केले का छिलका खिला रही थी, अब केले फेंकते जा रहे थे, केले फेंकते, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर ने देखा ये क्या कर रही है, केले का छिलका खिला रही, बोले बाबरी कर रहे हो क्या तू, हैं तू कर रहे हो क्या, केले फेंकते जा रहे हो, केले का छिलका खिला रहे हो। वो तो प्रेम में विभोर होकर खिला रहे थे ना, अब उनको होश आया तो बोले बात तो सही है। फिर उनने केला खिलाना शुरू किया। कृष्ण कहते हैं विदुर जी केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था ना, अभी केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है, मैं केला नहीं खाता और केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, केवल तो मैं प्रेमी भोजन करता हूँ, मैं केवल प्रेमी भोजन करता हूँ। इसलिए कहते बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भले केले का छिलका में जो आनंद आया, वैकुंठ में छापान भोग छत्रिस व्यंजन में आनंद नहीं आता था, इसलिए यहाँ कह रहे हैं भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। भक्त नहीं देने पर भी क्यों, वो प्रेम का वस्तु है ना, वो प्रेम का वस्तु। कहाँ सनातन गोस्वामी का है, बिना नमक के टिकिया, जो नमक नहीं बगैर नमक के टिकिया, टिकिया समझते सब, हाँ जैसे आटा में पानी दे दो, पानी देकर उसमें बगैर नमक के जैसे गोला बनाकर रोटी बनाते है ना, जो गोला बनता है वही है, उसको ही उन्होंने कंडा कंडे में सेक लेते थे बगैर नमक के, ठाकुर को भोग लगा कर खाते थे और ठाकुर को खाना पड़ता था, क्यों, भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, भक्त दे रहा है ना। तद हम भक्त ऊपर ही तो असनामी प्रजतात्मन, भगवान स्वयं कहते हैं जो प्रेम पूर्वक भक्त मेरे को जित मेरे खाना ही पड़ता है, भगवान को खाना ही पड़ता, भक्त का दिया हुआ। एक दो दिन खा करके बोलते हैं तू क्या कर रहे हो, अरे तू सब्जी तो देता ही नहीं है, बगैर सब्जी का खिलाते हो, अरे थोड़ा उसमें नमक तो दे दिया करो, बगैर नमक से गले के नीचे उतरता ही नहीं। बोले भैया आज बोले नमक तो कल वो था सब्जी लेकर था, फिर बोले भैया इस काम नहीं चलता दूध ले आओ, फिर बोले वो थोड़ा राबड़ी लाओ ना, हाँ थोड़ा मिठाई लाओ। कहते नंद बाबा घर में 9 लाख गया थी तभी तेरा पेट नहीं भरता था, घर में चोरी चोरी करके तू खाता था, हाँ तू घर में चोरी चोरी करके खाता था, इसलिए भैया हम नहीं खिला सकते हैं, खाना है ना अपना व्यवस्था कर ले, खाना तो अपना व्यवस्था कर ले, हम इतना नहीं दे सकते, हाँ इसलिए भगवान को खाना पड़ता, भक्त का दिया हुआ वस्तु भगवान को लेना पड़ता है, क्यों, वो भक्ति को द्वारा दिया हुआ वस्तु है। इसलिए भगवान कहते हैं काड़ी काड़ी खाए, काड़ी काड़ी मतलब क्या, जोर जबरदस्ती, नहीं देने पर भी वहां से जोर जबरदस्ती भगवान लेकर के खाते हैं। लेकिन अभक्त द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे, जो अभक्त है जैसे दुर्योधन की मेवा त्यागे साग, विदुर घरे खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए उन्होंने अभक्त का वस्तु देने पर भी भगवान उलट करके भी भगवान उसको नहीं देखते हैं। इसलिए बोले ऐ लीला लागिया श्रीधर बेचे खोला के बुझीते पारे विष्णु वैष्णव लीला। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं भैया जिसका नाम ही श्रीधर है, जिसका नाम ही श्रीधर है, सर्व लक्ष्मी मई राधा रानी को जो अपना हृदय में जो धारण करने वाले, तो उनको रास्ता में ये केले फूल और केले का मुच्छा क्यों बेचेंगे वो फिर, यहाँ प्रश्न हो रहा है ना। साधारण व्यक्ति देखो, हाँ साधारण व्यक्ति देखो, आज ऐश्वर्य जो ठाड़ बाड़ में रहते हैं, लेकिन ये श्रीधर होकर के भगवान के इतने बड़े भक्त होकर के भगवान जिनसे जोर जबरदस्ती लेते हैं, फिर उनको रास्ता में क्यों बैठ कर बेचना क्यों पड़ेगा उनको, यहाँ पर क्यों उनको जरूरत क्या है, तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। बोले ए लीला लागिया श्रीधर बेचे खोला, इसलिए श्रीधर इसीलिए खोले था, ये केले फूल फूल बेचते थे किस लिए, भगवान जिसको ग्रहण करे, भगवान जिसको स्वयं आकर ग्रहण करे। और के बुझते बारे विष्णु वैष्णव लीला, कहते भगवान और भक्तों का लीला को कौन समझ सकता है, उनको कौन समझ सकता है।
चलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये चीज को जब तक भगवान नहीं समझाते ना किसको कदी लीला कोई नहीं समझ सकते हैं। प्रभु कृपा करके निज लीला दिखाए हैं, इसलिए श्रीधर को उन्होंने क्या किया, भगवान कृपा करके अपना लीला दिखाया। उन्होंने क्या लीला दिखाए, दिव्य वृंदावन धाम है, कैसे जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, कोयल कूक रहे, मयूर के कहा कर रहे हैं, और कृष्ण कैसे बंसी बटोक नीचे बड़े सुंदर मीठी मीठी कृष्ण कैसे बंसुरी बजा रहे हैं, श्री ताऊ भैया कैसे कैसे स्वयं माँ लक्ष्मी कमला कैसे उनको तांबुल दे रहे हैं, ब्रह्मा शंकर अनंत है सनकादि कैसे उनको स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने दिव्य उनको लीला उन्होंने दर्शन कराया। बस श्रीधर उनको लीला देख करके वहीं पर श्रीधर बेहोश हो गए, वृंदावन की लीला देखकर उन्होंने बेहोश हो गए। जब उनको होश आया महाप्रभु कहते श्रीधर मेरी स्तुति करो, तो मेरी स्तुति करो। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह रही, जब उन्हें बोले स्तुति करो, इतने में श्रीधर कह रहे बोले प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, स्कूल गया नहीं, अब आप पढ़ाई नहीं, एक दो हमने कभी पहले लोग ऐसे होते ना, इसलिए प्रभु हमने तो सब कुछ सिखाई नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, इसलिए मैं स्तुति आपका कैसे करूं। तब यहाँ पर महाप्रभु कह रहे देखो तुम जो कुछ बोलोगे ना मेरी वही स्तुति है, जो कुछ बोलो। क्यों, जब कोई भक्ति करता है कहते उसका जो इंद्रिया है ना वो अप्राकृत दिव्य हो जाता है, कहते ना शुद्ध सत्व हो जाता है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, इसलिए उसका पूरा हृदय शुद्ध सत्व हो जाता है, शुद्ध सत्व होने पर कहते उस हृदय में भगवान का प्रकट होता है। इसलिए उसी समय कहते अगर कोई व्यक्ति तीन तीन लाख हरिनाम करे, कितना तीन तीन लाख हरिनाम करे, कितना जैसे प्रभुपाद ने कितना कितना हरिनाम किया था, 100 करोड़ उन हरिनाम कर 12 साल लगता है, 3-3 लाख, अभी तो 16 माला करने के लिए दिन भर लग जाता है, अगर 1 लाख कोई हरिनाम करेगा ना 6-7 घंटा लगेगा, सवेरे से लेकर रात तक किसी तरह से, और 3 लाख हरिनाम मतलब है किसी तरह से 2-3 घंटा कोई सो पाओगे, हैं 1-2 घंटा कोई सो पाओगे। कर जब हर व्यक्ति एक व्यक्ति जब 12 साल तक एक कल्प 12 साल एक तरह एक कल्प होता है, अगर ऐसे कोई हरिनाम करता है ना कहते उसका इंद्रिय, क्यों संपूर्ण विश्व का जो वार्ता है विषय कथा कभी बोल नहीं सकता है, इतर चिंता कभी उसका दिमाग में आ ही नहीं सकती, समय का है। जब इतना करेगा है 7 घंटा अगर 6 घंटा लग 18 घंटा 20 घंटा अगर कोई व्यक्ति हरिनाम करेगा कहते उसका वो उसका बाघ सिद्धि मिल जाती है। इसलिए एक होता है पुरस्चरण है, कहते सनातन गोस्वामी पुरस्चरण किया, रूप गोस्वामी भी किया, भक्ति विनोद ठाकुर सबके सब पुरस्चरण की, पुरस्चरण मतलब होता है कुछ नियम करके ये स्थान से हम कभी बाहर नहीं जाएंगे, नखुन केस काटेंगे नहीं, दिन में एक तरह से किस तरह खा करके भगवान को भोग लगा करके एकदम निष्ठा नियम से, जैसे अपना जो गुरु मंत्र है कृष्ण मंत्र है महामंत्र उसको एकदम बैठ करके उसको मंत्र को जप करते, जब जप करते हैं करते 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 महाप्रभु बोले ना यह जब यह सब है करिया निर्बंध, यह सर्व सिद्धि है सवार सर्व क्षण बोलो इथे विधि ना यार। अगर उसको ऐसे अगर कोई करे ना वो मंत्र एक दिन साक्षात रूप में दर्शन देते है, साक्षात रूप में मंत्र है भगवत रूप में दर्शन देता है, भय तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि प्राप्त वो जो कुछ बोले सच हो जाता है, है? जो कुछ बोले वो सबके सब सच हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो श्रीधर तुम्हारी जो वाक्य है ना वो शुद्ध है, इसलिए शुद्धा सरस्वती कैसे उसको जीवा को ऊपर में शुद्धा सरस्वती की निवास हो जाता है, जो कुछ बोलता है सबके सब भगवान की स्तुति है, हैं सबके सब भगवान की स्तुति हो जाती है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बंसी दास बाबा जी महाराज क्या पढ़े थे, कोई पढ़ाई नहीं, अब प्रभुपाद जैसे व्यक्ति कहां, धुरंधर व्यक्ति जिनकी शिष्य है, जिनकी शिष्य है जिनकी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुधा सरस्वती जीवा में प्रवेश कर जाता है, इसलिए उन्होंने महाप्रभु बड़े सुंदर स्तुति की, बोले जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर जय 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 नव दीपा पुरंदर है, महाप्रभु को स्तुति कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं वहां पर सब स्तुति, मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं, चैतन्य भागवत में सब स्तुति है।
इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक एक प्रमाण देते हैं कौन सा भक्त भगवान को भक्ति करके उन्होंने भगवान को अपना प्रेम का अधीन उन्होंने बनाया। उन्होंने एक एक भक्तों का उन्होंने परिचय दे रहे हैं कौन कौन भक्त भगवान को कैसे कैसे प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले प्रभु भीष्म कैसे भक्ति को द्वारा उन्होंने क्या किया, आपको जीत लिया है, आपने प्रतिज्ञा किया था क्या महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी, बोले तब मैं शांतनु तनु कहा हूं जब हरि से अस्त्र गाऊ, तब भी मैं शांतनु का बेटा हूं। अगर भगवान को मैंने अगर महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करा पाया तो मैं शांतनु का बेटा है ही नहीं। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपना प्रतिज्ञा को उन्होंने तोड़े, तोड़ करके उन्होंने भीष्म का प्रतिज्ञा को भगवान ने रक्षा किया है। दूसरा उदाहरण देते हैं बोले प्रभु आप तो अनंत हो, असीम है, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, लेकिन मैया जसोदा आपको उखल में बांध डलाए, विश्व ब्रह्मांड में आप सबको माया में बांध कर रखे हो, सारा दुनिया की कान पकड़ करके आप उठाते बैठाते हो, लेकिन ब्रज में आकर के विश्व ब्रह्मांड का कहां मालिक हो। अगर कन्या थोड़ी सी मिट्टी खा लिया ना, मैया सीधा अगर क्या पकड़ती है, कान सीधा और कोई चीज नहीं है, विश्व ब्रह्मांड का कान भगवान पकड़ कर उठाते बैठाते, लेकिन आज मैया उसको कान पकड़ कहते अपवित्र, कहते नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा जस मरेत पुण्यम सब बाह्याभ्यंतर सूची, जिनका नाम लेने पर बाहर भीतर पवित्र हो जाती है। मैया कहते अपवित्र तुमने गंधा बच्चा, तेने मिट्टी खाई, तेने बता सच बता मिट्टी खाएगी नहीं। मैया डर जाते हैं, बोले मैया मारे नहीं, इसलिए बोलते मैया ना आम भक्षित वानव सर्वे मिथ्या विसर्जी न, बोले मैया सब झूठ बोल रहे मैंने मिट्टी खाई नहीं है, मैया की डर में है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड को बांध करके रखे माया को तरह, लेकिन आज मैया जसोदा उनको भी बांध देती, बोले कैसे, बोले प्रेम से, बोले सत्यभामा भगवान को बेच देती। पहले हम लोगों ने श्रवण किया जब बोले सबसे बढ़िया चीज दान करनी चाहिए सूर्य ग्रहण का समय में, बोले मेरे तो सबसे प्रिय कृष्ण है, उन्होंने कृष्ण को दे दिया, उन्होंने बेच दिया कृष्ण को, किसको पास में नारद को, उन्होंने बेच दिया, उन्होंने भगवान को बेच दिए हैं। इसलिए भक्ति को द्वारा श्रीमती कृष्ण कभी है, कृष्ण कभी राधा रानी को अपना कंधे भर लिए है, लेकर के कृष्ण ने क्या किया, रास लीला से कृष्ण राधा रानी को लेकर के अकेले ले गए कंधे पर बैठा कर राधा कृष्ण को, राधा रानी को कृष्ण स्वयं कंधे में बैठाए। इसलिए कहते कृष्ण श्री राम को कंधे लेते कांधे में लेते हैं, जब दोनों पार्टी में लड़ाई होता है, दोनों पार्टी में कोई खेलते हैं, खेलते खेलते अगर कृष्ण हार गए ना, बोले कन्हैया घोड़ा बन, घोड़ा बन, बोले मैं नहीं घोड़ा बनता, बोले बनोगे नहीं, बोले नहीं, बोले इसको अकेले कर दो कोई इससे बात नहीं करना, बोले नहीं भैया इसे मत क्या करो, अकेले मत क्या करो, मैं घोड़ा बनता, बोले बन करो। इसे श्रीधाम कृष्ण को कंधे पर बैठे करके कहते उनको माट बनने से भांडरी बट तक ले जाते, बोले चलो घोड़ा बन करके, और कृष्ण ले जाते हैं। और यहाँ पर है जब उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे थे, स्तुति सुन करके ना वहां पर जो बड़े बड़े भक्त लोग थे, बोले बाबा हम तो सोच रहे थे श्रीधर मूर्ख है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन भक्ति करने पर कैसे सुधा सरस्वती उसको जीवा में कैसे उदित हो जाता है, और जो कुछ बोलते हैं सब कैसे भगवान की स्तुति बन जाते हैं। भक्त लोग तो सुन सुन करके बोले बाबा री ये तो बड़े भगत है, हैं ये तो बड़े भगत हैं, हैं। तब उन्होंने बोले श्रीधर वर मांगो, हैं श्रीधर कहते प्रभु हमको ठगने का कोशिश मत किया करो, मेरे को ठगना नहीं प्रभु, मेरे को है मेरे को ठकने ठकना मेरे को मत ठकना मेरे को। इसलिए महाप्रभु बोले देखो मेरा जो दर्शन है ना अमोघ दर्शन है, क्योंकि मैं जो दर्शन देता मैं जरूर कुछ ना कुछ उसको देता हूँ, इसलिए तुम जी भर कर वर मांग लो। बोलो क्या चाहिए, देखो उन्हें क्या चीज मांगते हैं, हृदय में जब भक्ति प्रादुर्भाव हो जाए ना उस समय कैसे हृदय कैसे शुद्ध सत हो जाता है और उनका हृदय कैसे पवित्र, तो उन्हें क्या मांग रहे। बोले जे ब्राह्मण कारी नील मोर खोला पाता, से ब्राह्मण हाउ को मोर जन्म जन्म ना था, जे ब्राह्मण मोर संगे
करील कंदल मोर प्रभु हौक तार चरण जुगल। यहां पर कहते प्रभु अगर वर देना तो मेरे को बारंबार प्रार्थना करता हूँ, एक ही वर दो। बोले क्या है? बोले जिस ब्राह्मण ने मेरे पास से जोर जबरदस्ती केला, केले का फूल, केले का पत्ते जोर जबरदस्ती लिया करता था, जन्म जन्म में जैसे वही मेरे नाथ बन कर गिरा, मैं उनका सेवा करते रहूं। हैं? इसलिए जे ब्राह्मण मोर संग करिल कंदल, जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ में हर समय आकर के लड़ते थे, झगड़ते थे मेरे साथ में, जैसे उनका ही चरण कमल जैसे हैं, वही प्रभु हौ को तार, वही प्रभु हौ को तार चरण जुगल। इसलिए वही प्रभु ही उनका चरण जुगल है जैसे हमारे जीवन का सब कुछ बने। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए उन्होंने यही वर मांगे, महाप्रभु उसको सुन करके प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके महाप्रभु रा हैं, महाप्रभु बोले देखो एक 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 तुमको वरदान देता हूँ। बोले क्या वरदान दोगे? बोले देखो तुम्हारे एक विश्व ब्रह्मांड का पूरा के पूरा राज ऐश्वर्य देता था, तुम राजा बन जाओ। हैं? राज ऐश्वर्य विश्व ब्रह्मांड के तरह में राज ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ, हैं? महाराज बना देता हूँ तुमको। जब उन्होंने ये बात को सुने, हैं? सुन करके कहते ना तुम्हारे नाम गुण गाय तुम्हारी। तब उन्होंने बोले प्रभु जैसे जीवन जीवन में तुम्हारा नाम गुण को गा सकता हूँ। जब ऐसे बोले वरदान देने पर भी उन्होंने जब नहीं लिया, इतक तुम्हार मति भेद ना है लो, भेद गोप्य भक्ति जो तोरे आमी दिलो। लेकिन देने पर भी इतना ऐश्वर्य जो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, महाप्रभु कहते देखो तेरे को मैं तो वेद गोप्य भक्ति जोग मैं तुमको देना चाहता हूँ। हैं? देना चाहता क्यों? साधारण व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति को अगर बोलते राजा महाराज किसको बना दे, हैं? अगर इतना बड़ी चीज नहीं दे फिर लेगा कि नहीं? ले लेगा। लेकिन उनको भक्ति होने का नाते जिसको हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, जैसे आस्ते भक्ति स्थिर तरा भगवान जदि से आत दैव रे दिव्य किशोर मूर्ति भक्ति स्वयं मुकुंदाजलि सबत आसमान धर्म अर्थ काम समय प्रतिज्ञा। हृदय में जब भक्ति प्रकट हो जाती है, भगवान की दिव्य किशोर मूर्ति प्रकट हो जाती है, जिसको धर्म अर्थ काम समय प्रतिज्ञा, धर्म अर्थ काम है, चाहते हैं कब मेरे को कृपा करके थोड़ी सी हमें सेवा में लगाए। अब मुक्ति स्वयं क्या करती है? गेट को बाहर में हाथ जोड़ कर खड़ी रहती है, कब भक्त लोग हमें थोड़ी सी स्वीकार करें। तो महाप्रभु कहते हैं तुमको मैं वेद गोप्य भक्ति तुमको प्रदान करूंगा। कल हम लोग श्रवण करेंगे वो वेद गोप्य भक्ति क्या चीज है, प्रभुपाद इस विषय पर क्या बोलते हैं, क्या ये वेद गोप्य भक्ति, कल हम ये चीज को श्रवण करेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। हाँ माइक नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे
अनुपम वेद कथा कर।